नमस्कार, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है। दोस्तों, इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को है। इस दिन संत और गृहस्थ विरक्त सभी 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद के अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में होता है। आइए जानते हैं कि खीरे में श्री कृष्ण का जन्म क्यों मनाया जाता है, इससे क्या होता है। खीरे में डंठल लगा हुआ खीरा लाना चाहिए। माना जाता है कि खीरा देवकी का प्रतीक है और उनसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, जन्म कराया जाता है, बालक का नालक छेदन किया जाता है। तो उसी प्रकार से उसको सिक्के इत्यादि से उसको डंठल को अलग किया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत पूजा का उसे पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए व्रत नियम संयम इत्यादि का पालन करना चाहिए। भगवान को झूले पे बिठाना चाहिए, बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पंचामृत में गोपाल को या शालिग्राम हो घर में तो उनको स्नान कराना चाहिए, तुलसी दल मंजरी सहित अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए बांसुरी भगवान को चढ़ाना चाहिए। बांसुरी अधिक प्रिय है, मोर पंख भी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है तो मोर पंख भी चढ़ाना चाहिए। माखन मिश्री बाल गोपाल को बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, इसलिए उसका भोग जरूर लगाना चाहिए। और दूध दही घी शहद मीठा और गंगा जल मिला करके भगवान का भोग लगाना चाहिए, तुलसी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। इन वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए जिससे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। तो इस वर्ष आप सभी जन्माष्टमी पर इन सभी चीज़ों को समर्पित करें, श्रद्धा भक्ति भाव से कीर्तन करें, आरती करें, वंदना करें, पूजा करें और भगवान को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।